हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, फाइनली बोल सकते हो आज आखिरी दिन है एम सीरीज का और कल से हम लोग का ए सीरीज स्टार्ट होने वाला है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूरा टीयर रीसेट क्या क्या होने वाला है। वैसे टीयर रीसेट कम्प्लीटली सेम है, केवल रॉयल पास ही चेंज होने वाला है। और अगर आपने एनी हाउ रॉयल पास रिवॉर्ड नहीं देखा, रॉयल पास का प्राइस क्या होने वाला है, ओवरऑल पूरा डिटेल में सब कुछ वीडियो बना चुका हूं। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको रॉयल पास का प्राइस जानना कैसे डिवाइड किया जाएगा तो उसका बारे में भी डिटेल में बता चुका हूं। और उसके साथ अगर आपको रॉयल पास का रिवॉर्ड्स देखना है 1 से लेकर 100 RP तक, वो भी मैं दिखा चुका हूं, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो नया रॉयल पास आने वाला है उसका टाइमिंग और उसके साथ साथ टीयर रिसेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो रॉयल पास आप देख पा रहे हो ये आज आखिरी दिन है। कल सुबह 5:30 बजे इंडियन टाइम को ये हो सकता है रॉयल पास बंद हो जाएगा। उसके बाद 2 घंटा के लिए आरपी लॉक होगा, 5:30 से लेकर 7:29 तक बोल सकते हो हम लोग का जो आरपी लॉक हो जाएगा। तो हम लोग का जो रॉयल पास का जो टाइमिंग आप देख पा रहे आपकी स्क्रीन में, अगर आप इंडियन यूजर हो तो एग्जैक्टली ये टाइम में आएगा। अगर आप दूसरा कंट्री का यूजर हो तो डेफिनेटली कन्वर्ट कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइम एग्जैक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ जितना भी आरपी पॉइंट है, बैजेस है, सब कुछ यूज कर दीजिए। कोई भी नेक्स्ट सीजन में कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, तो डेफिनेटली आप जितना भी एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट बैजेस है सब कुछ एयर ड्रॉप वड्रॉप सब खत्म कर लीजिए। और उसके बाद कल के लिए रेडी हो जाइए कि कल आपका नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है। अगर आपके पास ज़्यादा यूसी है तो आप एक ही बार में बड़ा पैक ले लेना, अगर आपको कम यूसी है तो 50-50 करके आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। सबके लिए रॉयल पास अवेलेबल है, सब इसका इंजॉयमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग टीयर रिसेट देख लेते हैं। वैसे टीयर रिसेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बट फिर भी मैं दिखा देता, बहुत कोई जानना चाहता है। इधर देखो टीयर रिसेट किस टाइप का होगा, मैं आपको दिखा दे रहा आपके स्क्रीन में। इधर आप देख पा रहे, अगर आप ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3 में रहते हो तो आपका जो टीयर है वो रिसेट नहीं होगा, आप वही टीयर में रह जाओगे। और ऑब्वियसली मैक्सिमम जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो कोई भी ब्रांच में लिंक में नहीं होगा ऑब्वियसली, तो उन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आप सिल्वर 1, 2, 3 एंड 4 में रहते हो तो आपका फिर भी टीयर जो है वो रिसेट नहीं होगा, वही टीयर में आप रहने वाले हो। उसके बाद अगर आप गोल्ड 5, गोल्ड 4, गोल्ड 3 एंड गोल्ड 2 में हो तब आपका जो टीयर है वो रिसेट होकर 5 में आ जाएगा। मतलब गोल्ड 5 से आपको न्यू जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो करेंट मतलब कल सीजन बंद होने का पहले जो करेंट सीजन होगा उसी से टीयर रिसेट होगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार कॉन्करर पहुंच गए हो अभी डिमोट होकर नीचे आ गए तो कॉन्करर वाला होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। करेंट सीजन में जो आपका टीयर दिखाई दे रहा उसी से टीयर रिसेट होने वाला। ठीक है, तो अगर आप गोल्ड 2 में पहुंचे हुए तो थोड़ा सा मेहनत करें, गोल्ड 1 पहुंच जाओ, क्योंकि आपको 100 ट्रॉफी का बूस्टअप मिल जाएगा। अब क्योंकि अगर आप गोल्ड 1, प्लैटिनम 5 एंड प्लैटिनम 4 में रहते हो तो आपको गोल्ड 4 में डिमोट किया जाएगा और उसके बाद आपको उधर से अपना जर्नी स्टार्ट करना होगा। अगर आप प्लैट 1, प्लैट 2 एंड प्लैट 3 में रहते हो तो आपका जो टीयर है वो रिसेट होकर आ जाए गोल्ड 3 में। और उसी के साथ साथ अगर आप डायमंड 5, डायमंड 4 एंड डायमंड 3 में अपना सीजन ख़त्म करते हो तो आपका जो टीयर है वो रिसेट होकर आ जाए गोल्ड 2 में। और उसी के साथ साथ अगर आप डायमंड 1 एंड डायमंड 2 में ख़त्म करते हो अपने सीजन को तो आपका जो टीयर है वो रिसेट होकर आ जाएगा गोल्ड 1 में। ठीक है, अगर आप क्राउन 5 एंड क्राउन 4 में अपना सीजन ख़त्म करते हो आपको स्टार्ट करना होगा प्लैटिनम 5 से। अगर आप क्राउन 3 एंड क्राउन 2 में खत्म करोगे तो प्लैटिनम 4 से आपको स्टार्ट करना होगा। और एनी हाउ अगर आप क्राउन 2 पहुंच गए हो थोड़ा सा ज़्यादा खेल के आप क्राउन 1 में पुश करो, क्योंकि आपको 100 ट्रॉफी का एडवांटेज मिलने वाला है। क्योंकि आप देख पा रहे क्राउन 1 में आपको प्लैटिनम 3 का एडवांटेज मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप क्राउन 1 में ऑलरेडी हो तो आप थोड़ा सा और मेहनत करके एज तक पहुंच जाओ, क्योंकि एज पहुंचने से फिर से आपको 100 ट्रॉफी का बूस्टअप मिल जाएगा। ठीक है, ये जगह में बहुत ही क्रूशल चीज़ आ जाता हुआ ये है कि अगर आप क्राउन 2 में हो तो पुश करके क्राउन 1 में आ जाओ, और अगर आपको थोड़ा और टाइम है तो क्राउन 1 से एस में आ जाओगे तो आपको 200 ट्रॉफी का बेनिफिट मिल जाता है, तो वो चीज़ आप एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, अगर एस और एस मास्टर का 4,700 से लेकर 4,800 के अंदर हो तो आपको प्लैटिनम 2 में डिमोट किया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप ऊपर का जितना भी लीग है लाइक एस मास्टर, डोमिनेटर या कॉनकरर, ये तीनों टीयर में से कोई भी बोल सकते हो टीयर में हो, और एस मास्टर का 4,800 ट्रॉफी से लेके 5,200 के अंदर हो तो आपको प्लैट 1 में डिमोट किया जाएगा। और प्लैटिनम 1 से सबको अपना जर्नी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही रहा टीयर रिसेट, अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है, यही टीयर रिसेट कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी भी ये सीजन में यही चलने वाला है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा दिया। टाइमिंग तो पता चल गया, कल हम लोग का न्यू सीजन आने वाला है, तो आप कौन सा पैक परचेस करने वाला आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्या आप एक ही बार में 720 UC वाला परचेस करोगे कि आप वो आधा आधा खरीदने वाले 360 वाला, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। या आप उससे बड़ा वाला खरीदना चाहते हो जो कि एकदम बड़ा वाला है, या आप सबसे महंगा वाला खरीदना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इतना रखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।